का संभावना है, त्योहार हमारे खोपड़े पर है और वह जाकर बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा है, उसके घर में खाने के लिए आदमी मर रहा है। एक दिन के लिए अगर पेयजल सप्लाई हमने पूरे यूपी में बंद कर दिया तो यकीनन तराई तराई मच जाएगी। उत्तर प्रदेश जल निगम संस्थान मजदूर यूनियन के ऐसे तमाम कर्मचारी हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होने की उम्मीद है, और वो लोग भी यही कह रहे हैं कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है और मृतक आश्रित को भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, महिलाएं भी परेशान हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि आखिर मुख्य कारण क्या है और मुख्य दोषी इसके अंदर कौन कौन है। अच्छा, आप लोग यहाँ धूप में इतनी देर से बैठे हुए हैं तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? अब हम लोगों को 6 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। 12 जनवरी से अनवरत धरना चल रहा है लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई भी वो प्रभाव नहीं है जी। तो क्या अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, और क्या मामला है यहाँ पर? बस यही सबसे बड़ा मामला है, न वेतन न पेंशन। अच्छा, तो ये लगभग कितने दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हैं? 12 जनवरी से। 12 जनवरी से। तो क्या जो काम है उस पर कोई यहाँ चाह रही है कि काम नहीं कर? काम बराबर चल रहा है। अच्छा, काम बराबर चल रहा है। तो ये आप किस बीच में ये धरना कर रहे हैं? 12 जनवरी से बता रहे हैं। अच्छा, न वेतन न पेंशन। अच्छा, तो भैया ये 12 जनवरी से न वेतन मिल रही है न पेंशन मिल रही है, तो मतलब कैसे चल रहा है फिर मामला? तो ये क्या करें, यहाँ ले यहाँ वहाँ से ले लिया जाता है पैसा, फिर ये है कि वेतन मिलने पर उनको दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। तो मतलब इसमें है क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों नहीं दे रहे हैं? अब क्या बताया जाए, शासन प्रशासन नहीं दे रहा तो मजबूर है, हम लोग धरना पे बैठे हैं, अब मर रहे हैं भूखे पर, बच्चे भी मर रहे हैं, क्या किया जाए। अब बैठे तो हैं, अब नहीं दे रहा, लाठी डंडे खाने के लिए बैठे हैं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तब क्या अब बताया जाए। अब यही है, और दूसरे विभाग में वितरण करने जा रहा है, अब जल निगम कर्मचारियों को क्यों किया जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, पेंशन बाद में अब वहाँ के लोग देंगे कि नहीं देंगे। दूसरे विभाग नगर निकाय में करने जा रहे हैं तो हमारा पिछला क्या होगा भुगतान का, बताइए, गलत कह रहे हैं। तो ये हम लोग कहाँ, बच्चे हमारे भूखे न मर जाएंगे, न पेंशन देने के लिए अधिकार कर रहे हैं लोग, क्या है ये? मतलब इतने दिनों से वेतन नहीं मिला है, एकदम भुखमरी की हालत जैसे आप लोग बता रहे हैं, तो कैसे दिन प्रतिदिन इतनी महंगाई में खर्चा चल रहा है? ऐसा है कि ब्याज पे पैसे ले रहे हैं, अपनी चीज वस्तुओं को बेच रहे हैं, अभी जमीन को बेच रहे हैं, जमीन है थोड़ी बहुत, और ये सरकार बहुत हमारे साथ अन्याय कर रही है। 6-6 महीने हो गए और जो रिटायरमेंट हो गए उनका कोई भुगतान आज तक नहीं हुआ, दूसरे विभागों में विभाजन किया जा रहा है, ये सरकार की मंशा सही नहीं है। अच्छा अच्छा, लगातार सरकार कहती है कि हम अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और कई चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरीके से परेशान हैं, तो क्या कारण है इसका? सबसे पहले बोल दो ये कि हमने इनको वोट दिया, सरकार बनाई। अच्छा, इसलिए बनाई कि अच्छी हमारा अच्छा विकास करेगी, अच्छा काम करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं किया। और 6 महीने से तनख्वाह मिलने पर भुखमरी भी आ रहे हैं और बीमारी के आकार पर मेरी लड़की बीमार है, घर वाली की मेरे 1 साल हो गया, इलाज नहीं हो पाया, अब से नहीं बहुत टाइम से तनख्वाह का लफड़ा चल गया, घर वाली मेरी मर चुकी है क्योंकि टाइम पर इलाज नहीं होया, इसका ले लिया, उसका उधार कहाँ से देंगे, 6-6 महीने वेतन नहीं मिल गया, तो बता क्या करें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, हम लोग भूखे प्यासे किराए पर जब खर्चा ले आए यहाँ 3 दिन हो गए, भोंक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। बड़ी सोच समझ कर इस पार्टी को हमने वोट दिया था बीजेपी को कि कुछ करेगी, 3.5 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट, 2017 30 जून को रिटायर हुआ था। अच्छा, 7 मई की मेरी बेटी की शादी थी, पिछले साल कोरोना की वजह से हट गई थी, अब 7 मई को है, 1 पैसा मेरा रिटायरमेंट के बाद नहीं मिला। लेकिन सरकार जो है वो लगातार, अभी भी 4 साल पूरे हुए सरकार के, तो उपलब्धियां लगातार गिना रही है, जो गिनवा रही है सब,
फर्जी गिनवा रही है, कागजों पर गिनवा रही है, कुछ नहीं दी जा रही है। यहाँ से खबर सरकार को सही नहीं दी जा रही है, खराब और निकम्मी। ये निकम्मी सरकार है, सुनने वाली नहीं है। अड़िया में जब वहाँ तक खबर नहीं दे रहे हैं और क्या। और ये महाराज बाबा यही राज कर रहे हैं पूरे देश में, कोई राज नहीं कर रहा। अब ये जीत नहीं सकते किसी का, अगर यही दशा रही तो ये जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, सरकार तक बात नहीं पहुँच रही तो वो बात आखिर रोक कौन रहा है? अधिकारी रोक। अपनी पूरी बात वहाँ सही नहीं कर पा रहे। अभी योगी जी ने कहा था कि 3 महीने के वेतन दे दीजिए, और ये लोग पैसा वहाँ नहीं ला पा रहे हैं शासन से, वहाँ कुछ देना होना पड़ता है। 3 महीने का आदेश कर दिया, अभी पैसा नहीं लाए। जब शासन ने 3 महीने का आदेश, अच्छा, शासन के आदेश करने के बावजूद भी पैसा नहीं आया, नहीं ला रहे। 3 महीने के वेतन जल निगम वाले को दे दीजिए, आंगनबाड़ी वाले को भी दे दीजिए। ये लोग पैसा वहाँ से नहीं ला पा रहे हैं, क्या कारण है क्या नहीं, क्या आंगनबाड़ी के भी 3 महीने के रुका था। त्योहार का समय, मजदूर आदमी, 6 महीने तो ये क्या कहेंगे, कैसे त्योहार मनाएंगे। बड़ी परेशानी आए। अब देखो सरकार से टकराव है, जब जाएंगे यहाँ से जब मनसा पूरी हो जाएगी। अच्छा, होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, तो मतलब कैसे चल रहा है खर्चा? जब वेतन नहीं मिलेगा और पेंशन नहीं मिलेगा, चलेगा कैसे? भूखे जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे हम लोग। आगे आखिर क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कितना कर्जा मांगेंगे, कितना कर्जा मांगेंगे, बच्चे स्कूल में। दुकान वाले कहते हैं कि तुम्ही लोग का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हर विभाग जब मांगते हैं हम लोग, हर विभाग मिल रहे हैं। जलेंगे में एक ऐसा विभाग है। अच्छा, यहाँ तक घर वाले भी नहीं विश्वास करते कि वेतन नहीं मिलता है। कई महीना कई सब बार झूठ बोला जाएगा भाई, कई बार वो किया जाएगा। अच्छा, आप लोग इसमें मेन जो किसको दोषी ठहराना चाहेंगे, कौन है दोषी? हमारे जल निगम प्रशासन। अच्छा, ये 7वां वेतन भी नहीं दिया, उसी को बरगड़ाने के लिए रोज नया नया खुराफात रच रहे। अच्छा, 7वां वेतन जो पिछले पटनायक जी थे चेयरमैन साहब, उन्होंने वादा किया था 17 में ही देने को। हाँ। लेकिन वो 7वां वेतन न देने की वजह से ये एक नया नया सपूगा देख करके हम लोग को इसी में उलझा रहे हैं और हम लोग को परेशान। अच्छा, अगर आगे भी सरकार नहीं सुनती है आप लोगों की बात को, क्योंकि आप लोग, पता चला कि 12 जनवरी से आप लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से और वेतन नहीं मिल रहा है, तो अब आगे का आप लोग का क्या प्लान है? हम लोग अब आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या किया जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर देंगे, घर नहीं जाएंगे, होली मनाएंगे यहीं पर। अच्छा भैया, आप युवा हैं, जो भारत सरकार है वो लगातार, या उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर ले, वो लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि हम युवाओं के लिए नौकरियां निकाल रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप युवा हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, युवाओं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जल निगम में अनुकंपा नियुक्ति काफ़ी विगत वर्षों से रुकी गई है। अच्छा, रुकी गई है? जी हाँ। अच्छा, 3 साल से रुकी गई है, जिसमें हम लोग अनुकंपा नियुक्ति वाले कम से कम 25 लोग यहाँ पे धरना के लिए आए हुए हैं। अच्छा, डेरा डालो ये हमारे अध्यक्ष जी ने हमारा बोला है, तो हम उसके लिए सक्षम हैं। और हमने बोल दिया है कि हम भी जब भी आते हैं, हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, कोई हमारी नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक किसी बात से लेके, और हम लोग बहुत परेशान हैं, जबकि हम लोग पैसा उधार ले लेके हम लोग आते हैं, भुखमरी की स्तर पे हैं, ये समझ लो मृत्यु पे आ चुके हैं हम। ज़्यादा होगा तो हम मरने के अलावा हमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे पिताजी चले गए हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, ठीक है ना। हम अपने घर का अकेला, मैं बारिश पूरे घर को कैसे चला सकता हूँ, आप बताइए। इसी की वजह से जब आमदनी नहीं है, आप बताइए सर कौन से विभाग में अनुकंपा नियुक्ति रोकी गई है, मैं जानना चाहता हूँ किस विभाग में, जबकि शासन ने कोई रोक नहीं है। शासन ये बोलता है कि आप अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, फिर ये अपनी मनमानी उत्तर प्रदेश जल निगम जो MD बैठे हुए हैं अनिल अग्रवाल आके, इससे पहले जो थे गोटवाल साहब, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था। सर मैं आपको बता दूं, 15 अक्टूबर को अनुमोदन हो चुका था अनुकंपा नियुक्ति का, फिर भी अपनी मनमानी से इन्होंने कार्रवाई नहीं की, इनको हटा दिया गया, इनको लाया गया, इन्होंने दोबारा से कल बोर्ड में प्रस्ताव भेजा 23 तारीख को। अच्छा, अब बोर्ड में प्रस्ताव भेजने के बाद अब देखो, अभी तक कोई निर्णय आया नहीं है, और जब तक आएगा नहीं, जब तक हम लोग हटेंगे नहीं। और हम कम से कम 20-25 लोग हैं यहाँ पे, यहाँ से 250 लोग हैं, 250 लोग हैं जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभी तक हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ तक कि अब अपनी माँ को, बहन को, भाई को, पूरा घर यहीं लेके आएंगे, जो होगा मरेंगे या मारेंगे, बहुत दुखी हो चुके हैं। अच्छा, हम जल निगम के कर्मचारी आज 6 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है, जो कि हम लोगों को परिवार के लिए बहुत परेशानी हो गई है। हमारा एक साथी मनोज
मनोज कुमार शर्मा जो कि दवा के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई है। अच्छा। अभी एक हफ्ते पहले उसकी मृत्यु है। साथी मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि 6 महीने का वेतन और पेंशन हम लोगों का नहीं मिला, जो हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, अपने बच्चों से मुंह चिपका के चल रहे हैं। साथी हम लोगों की अनुकंपा नियुक्ति, जो साथी मर जा रहे हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति अभी तक इन्होंने किया नहीं है। उनकी महिलाएं जो आज आए हैं सभी लोग परेशान हैं कि हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। हम आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से यह सोच रहे हैं कि कम से कम हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि हम लोगों का 6 महीना जो हम लोग मेहनत से प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है 2022 जल हर घर को जल से नल से जल देने का, उसमें हम कर्मचारी फील्ड से कर्मचारी आते हैं जो कि फीटर का काम करते हैं, नल लगाते हैं, वाटर सप्लाई से पानी की सप्लाई करते हैं, पंप ऑपरेटर, जलकर वसूल गवर्नमेंट का राजस्व वसूल करते हैं, जलकर के रूप में सारे साथी हमारे वर्क में काम कर रहे हैं। और हमको सरप्लस दिखा के इन्होंने हमारा प्रदेश में इस समय 5,5327 कर्मचारी है जो कि सबका सब 100% सरप्लस दिखा के ये कह रहे हैं कि इनकी दूसरे विभाग में समायोजन किया जाएगा। और हमारे रिटायर होने के बाद न हमें पेंशन दे रहे हैं, न हमारी GPF दे रहे हैं, न ग्रेजुटी दे रहे हैं। सारे रिटायर कर्मचारी न्यायालय में जा रहे हैं। अच्छा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आप हमारा हम लोगों का मदद करके किसी तरह हम लोगों का वेतन दिलवाइए, अनुकंपा नियुक्ति बहाल कराइए। बिल्कुल, आप लोगों की मदद होगी। और ये बताइए कि सरकार लगातार ये कह रही है और अपनी 4 साल पूरे होने की उपलब्धियां भी गिना रही है, ऐसे में आप लोग ऐसे धूप में बैठे हुए हैं तो सरकार अपनी उपलब्धियां जो दिखा रही है वो अन्य क्षेत्रों में दिखा रही है लेकिन हमारे कर्मचारियों के क्षेत्रों में नहीं दिखा दे रही है। सरकार कर्मचारियों के लिए झूठ बोल रही है, सरकार चोर है, योगी सरकार चोर है, उसके बाद औलाद नहीं है। हमारे यहाँ वेतन मिलने का संभावना है, त्योहार हमारे खोपड़े पर है और वह जाकर बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा है, उसके घर में खाने के लिए आदमी मर रहा है, वह बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा है, कुछ ये वो चोर है कि साव है। उसको MD भेजा, MD अपने बीबी का झोली भर रहा है जल निगम का पैसा ले जाकर। इस समय ऐसा MD बैठा दिए हैं कि कोई बात नहीं सुन रहा, शासन से लिया के, शासन का आदमी लिया के बैठा दिया। अगर तनख्वाह नहीं मिली तो MD को जान से जाना पड़ेगा। हम लोग के मृतक आश्रित की जो कि नियुक्ति बहाल नहीं हुई है और जल निगम में जो कि 6 महीने से तनख्वाह पेंशन नहीं मिल रहा है, हमारे कर्मचारी जो कि दवा नहीं कर पा रहे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और हमको सरप्लस बनाकर दूसरे विभाग भेजे जा रहे हैं जो कि हमारे तनख्वाह रिलीज हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो कल से MD को बैठने भी नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो कि सरप्लस कर्मचारी है नहीं, हम लोग प्राइवेट रखकर अपना पेयजल योजना चला रहे हैं और मुख्यालय कार्यालयों में हम लोग अपना वर्क दे रहे हैं, फील्ड कर्मचारी से बाबू का काम, डिस्पैचर का काम, अतिरिक्त काम लिया जा रहा है जो कि हमारे यहाँ सरप्लस को है या नहीं, हम लोग के कर्मचारी की अभाव है। सरप्लस तो कर्मचारी ऑफिस में ही है। अच्छा, फील्ड में कर्मचारी कहाँ सरप्लस है, वो दिखा दे हम उसको। आजीवन योगी सरकार का भी MD का, दोनों का गोबर फेंकूंगा। अच्छा, बहुत लोगों की अभी हमने बात सुनी, वो सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और धूप में परेशान हैं, ठीक है, और उन लोगों का यही कहना है कि भूखमरी की हालत आ गई है, तो ऐसा मेन अहम कारण क्या है इस चीज़ का? ये उत्तर प्रदेश जल निगम में पहले यहाँ का प्रशासन इंजीनियरों के हाथ में होता था, केवल चेयरमैन IAS होता था, जो MD होता था वो पहले यही एक्सियन SE चीफ और फिर उसके बाद MD बनता था, तो उसको सारी जमीनी समस्याएं, सारा कार्य करने का तौर तरीका और उसको मालूम होता था और उससे एक लगाव रहता था। IAS तो कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, वो उसी तरह से होते हैं जैसे किसी जिले में 2-3 साल के लिए आए, वहाँ कानून व्यवस्था क्या है उससे मतलब नहीं, वहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं, बस एक मशीनी तौर पर आ रहे हो चले गए। उसी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश जल निगम को एक जिला समझ करके व्यवहार किया है और आने के बाद से जो उनका मुख्य कार्य था कि जल निगम के कार्यों को बढ़ाकर और जो 12.5% सेंटेज मिलता है उसके आधार पर जल निगम के वेतन पेंशन और देख दिए जाएं, तो कार्य ये बढ़ाए नहीं, जबकि जल निगम के कार्य किसी दूसरे विभागों को, इन्होंने जल जीवन मिशन का कार्य
और कई ऐसे कार्य हैं जो रूरल वाटर सप्लाई के कार्य, ये उन्होंने ऐसे ऐसे विभागों को दे दिए जिस विभागों को न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है न तजुर्बा है। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर से हुआ, ये जो शासकीय व्यवस्था है उसका नतीजा हुआ कि जितना सेंटेज मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पाया, और जो सेंटेज 16,67 करोड़ शासन से बकाया था वो भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये वेतन और पेंशन की और जो GPF और रिटायरल बेनिफिट की समस्या उत्पन्न हुई है उसका कारण ये है। अच्छा, इस पूरे जो वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, इसमें अहम दोषी आप किसको मानते हैं? इसमें अहम दोषी जल निगम प्रशासनिक अधिकारी, खासकर जो IAS अधिकारी यहाँ पर हत्या कर सीट बैठ गए, उनका एक ध्येय कि अपने लोगों को अपने NGO से उनको काम दो और जल निगम को के कर्मचारियों को भुखमरी के कगार पर। हम लोग 89 में 10,581 जो हमारे स्वीकृत पद थे उनमें आज घटकर 5,327 पद बचे, उन 5,327 पदों को भी ये सरप्लस कह रहे हैं। अब इनसे ये पूछिए सरप्लस कुछ परसेंट होता है या 100% होता है? इन्होंने सारे फील्ड कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर दिया है और अपनी मनमानी और तानाशाही रवैया अख्तियार किए हैं। जैसे कि अभी हमारे संस्थापक महोदय ने बताया कि पूर्व में हमारे जो MD होते थे वो जल निगम के यही होते थे, AC चीफ MD होते थे, उनको जल निगम का परिवार चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, उनको सारा अनुभव था। ये लोग एक जिलाधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था की भाषा जानते हैं और यही हम लोगों पर करना चाहते हैं। और जब से ये बैठे, इसके पहले ये था कि जल निगम में प्रॉब्लम है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब इन लोगों से आने हो गई है। एक MD, 4 GMD और सारे के सारे लोग मिलकर अपने ही लोगों को, हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। जो जल निगम का मोदी जी ने करोड़ों रुपए का JJM का काम दिया, वो काम भी ये अपने NGO द्वारा कराना चाहते हैं, कमीशन के चक्कर में हम लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। तो हम लोग अवगत करा देना चाहते हैं कि हमारे संविदा पर हम लोग जल निगम के परिवार हैं। हम लोगों ने 55 साल, अब यहाँ कोई भी कर्मचारी की उम्र 55 और 58 साल से कम नहीं है, हमने पूरी सेवा जल निगम में की है। अब जब हमें 2-3 साल का समय बचा है सेवानिवृत्त में, तो ये हमें दूसरे विभाग के भेजेंगे, हम दूसरे विभागों की खुद ही हालत खस्ता है, वो हमें क्या देंगे? अच्छा, आपका नारा है आवाज दो हम एक है, तो ये मजदूर यूनियन के कुल कितने लोग इसमें सम्मिलित? हाँ, हमारा एक्चुअली जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन का ये 3 दिन का प्रोग्राम डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम चलाया है, कल से शुरू हुआ है ये। इससे पहले हमारे जल निगम में 19 संगठन हैं और सभी संघर्ष मोर्चा के नाम से एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और सभी की डिमांड यही है कि हमारे जल निगम में जो ये IAS द्वारा परेशानियां उत्पन्न की गई हैं उनको किसी न किसी तरह से ख़त्म की जाए, IAS को यहां से भगाया जाए। हमें 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं पैसे के अभाव में, ना तो हमारे पास खाने को कुछ बचा है, ना तो हम अपने परिवार को चला सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि हम एक ऐसे महत्वपूर्ण जो है विभाग से जुड़े हुए हैं जो 25 करोड़ जनता को पानी पिलाने का कार्य करती है। हम बुंदेलखंड से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 72 जिलों में हमारे एम्प्लाई 24 घंटे हमारे जनता की पूरी तरह से तन मन धन से सेवा कर रही है, मगर उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह का जुल्म, इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है जो कतई उचित नहीं है। अगर इसमें सुधार नहीं आया तो हम कर्मचारी हैं, जब हम भूखे मरेंगे तो हम किसी को सुकून से बैठने नहीं देंगे, ऐसा हम लोगों ने मन बना लिया है। हमारा संगठन, हमारी कार्यकारिणी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, वो अगर मुझे किसी तरह का आह्वान देती है और इस तरह का कोई आंदोलन छेड़ने को कहती है तो यकीनन हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरा UP बंद करेंगे, एक दिन के लिए अगर पेयजल सप्लाई हमने पूरे UP में बंद कर दिया तो यकीनन तराई मच जाएगी। अच्छा, लगातार योगी सरकार और भारत सरकार महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करने का वादा करती है और कहती है कि महिलाओं को हम सुरक्षित रखेंगे या फिर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, फिर भी आप लोग यहाँ धूप में बैठी हैं, क्यों? तो
क्यों नहीं देते हैं, काहे देते नहीं तो बैठे हैं, दे तो ना बैठे हैं, भूखों मर रहे हैं तो लोग बैठेंगे तो है। पेंशन नहीं दे रही, रेगुलर नहीं कर्मचारी कर रही, नियमित नहीं कर रही, पेंशन नहीं दे रही तो बैठेंगे नहीं, क्या करेंगे बताइए। छः माह से वेतन नहीं मिला तो बैठेंगे नहीं, तो बैठेंगे ही ना। अच्छा, छः माह से वेतन नहीं मिला है, आप लोग तो साथ में घर भी चलाती होंगी, तो कैसे चल रहा है? कैसे चला, हम लोग जानते हैं कि कैसे की दिक्कतें आ रही हैं सर। हम लोग समझ लीजिए बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मास्टर भगा देते हैं कि भाई पहले फीस लाइए फिर हम आप लोग को पढ़ाएंगे, तो हैं मकान किराया नहीं दे पाते बताइए। एक महीना दो महीना सब कोई सहयोग करता है, बार बार थोड़ी कोई करेगा सर, तो हम लोग बहुत मजबूर हैं इसलिए यहाँ आए हैं। अच्छा, छः महीने एक बड़ा बहुत दिन होते हैं, इन छः महीनों में आप लोग को वेतन नहीं मिला है, तो क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया? नहीं सुनिए, सरकार या तो उत्तर तो जरूर आया होगा, मगर एमडी साहब एक्शन नहीं ले रहे इसका कुछ। अच्छा, मतलब मुख्य दोषी एमडी साहब को मान रही है? सब एमडी साहब का है, अगर वो हमको परसों दे दे पेंशन तो का हम लोग इसी से लड़ने को, फालतू लड़ नहीं रहेंगे, हम लोग का हक दे दे मजदूरी का। कोई से ये नहीं कह रहे कि हमें इतना पैसा दे दिए एसी लगवाना, ये हम लोग को अपना हक चाहिए। और देखिए कितनी गर्मी में कीड़े गिर रहे हैं, वो तो एसी में बैठे हुए हैं, मगर हमको हमारा हक चाहिए, लड़ाई करने नहीं आए हम। अगर इन्होंने परसों नहीं दिया तो हम लोग यही होली मनाएंगे, बस इतना ही कहना। मेरा नाम सबिया जावेद, सबिया जावेद। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हर इंसान परेशान है। और जल निगम के जितने भी मजदूर यूनियन है वो यहाँ तमाम बैठा हुआ है और इस इंतज़ार में है कि शायद उसकी वेतन मिल जाए, शायद उसका पेंशन मिल जाए, लेकिन सरकार लगातार अभी तक नहीं सुन पाई है और छः महीने हो गए हैं। ऐसे में सरकार को ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए और इन लोगों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर परेशान हैं और लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल मरने के लिए भी तैयार हैं, भुखमरी की भी हालात है और कई लोग फांसी भी लगा चुके हैं, कई मामले आ चुके हैं जिसमें लोग धरने में ही फांसी लगा चुके हैं और खुद मौत हो जा रही है उनकी। तो इसी पर जनता की राय आपने देखी और जाना आपने लोगों से कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। कैमरा पर्सन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, विद्रोही आनंद, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।